हेलो एवरीवन स्वागत है आप सभी का कॉम्पिटिटिव अकेडमिया में पहले लेक्चर में हमने जहां तक किया था उससे आगे अब स्पेक्ट्रम बुक से एम करेंगे तो चलिए शुरू करते हैं पहला प्रश्न है खासी विद्रोह किसके नेतृत्व में हुआ था तीरथ सिंह रानी गिडालू जदोनांग और भारती सिंह तो इसका उत्तर है तिरोत्त सिंह तो अट्ठारह से अठारह के बीच में ये खासी विद्रोह हुआ था और इसका जो मेन रीज़न था अंग्रेज वहाँ पर सड़क निर्माण कर रहे थे और ज़बरदस्ती जो खासी लोग थे उनको उसमें एज ए लेबरर उसमें यूज़ कर रहे थे फोर्सफुली तो इसलिए इन लोगों ने रिवोल्ट किया था इसके अलावा रानी गिडालू ये नागालैंड की लक्ष्मी बाई भी ने कहा जाता है ये मणिपुर में इनका जन्म हुआ था और तब तो जो नागालैंड है वो राज्य नहीं था लेकिन उस एरिया में इन्होंने कार्य किया था और अगला है जदोनांग तो ये मणिपुर के सामाजिक राजनीतिक नेता थे उन्नीस में इन्हें फांसी दी गई थी उसके बाद रानी डालू ने जो ये आंदोलन चला रहे थे अंग्रेजों के विरुद्ध उसका उसकी कमान संभाली थी बाद में रानी डालू को भी गिरफ्तार कर लिया गया था और देश जब आज़ाद हो गया 1947 में उसके बाद इन्हें जेल से बाहर निकाला गया था ये रानी की डालू जो थी उनकी इनकी जादू नाम की चचेरी बहन थी कुछ जगहों पर यह भी मिलता है कि ये उनके अंकल थे अगला इसमें अग भारती सिंह ये त्रिपुरा के राजा थे तो इसका उत्तर हो जाएगा ए अगला है निम्नलिखित में से कौन सन्यासी विद्रोह से जुड़ा नहीं था तो इसमें मूसा शाह मजनू शाह और देवी चौधरानी ये तीनों सन्यासी विद्रोह से जुड़े हुए थे करम शाह ये नहीं जुड़े हुए थे ये पागल पागलपंथी पागल पंथी विद्रोह से जुड़े हुए थे सन्यासी विद्रोह सत्रह से सत्रह सो से अठारह तक ये चला था इसका मेन कारण था कि अंग्रेजों के द्वारा जो तीर्थ स्थान है उनकी यात्रा करने ऊपर करने के ऊपर कर लगा दिया गया था इसलिए जो सन्यासी लोग थे उन्होंने विरोध किया था इसका और आगे ये विद्रोह हुआ था और वारेन हेस्टिंग्स इन्होंने इसका दमन किया था इस आंदोलन की एक सबसे बड़ी बात यह थी कि इसमें हिंदू मुस्लिम एकता बहुत बड़े पैमाने पर देखने को मिली थी बाद में इसको जो दबाया गया था वो ऐसे दबाया गया था कि हिंदू और मुस्लिम के बीच में फूट डाली गई और आगे फिर अलग अलग करके इसको दबा लिया गया था आनंद मठ जो कि बंकिंग चंद्र चटर्जी का एक उपन्यास है उसमें इसी सन्यासी विद्रोह की चर्चा की गई है इससे जुड़े ये लोग थे मूसा शाह शाह देवी चौधरानी गिरी भवानी पाठक ये सब इसके मेन लीडर थे अगला प्रश्न है अहोम विद्रोह का नेतृत्व तो किसके द्वारा किया गया था तो गोमधर कुंवर इनके द्वारा अहोम विद्रोह का नेतृत्व किया गया था 1828 के आसपास ये विद्रोह हुआ था जो अहोम होते हैं ये चीन की जो एक जाति है ताई जाति ये उनके वंशज हैं और 1220 के आसपास ये ब्रह्मपुत्र घाटी से होते हुए भारत में आए थे और उधर ही बस गए थे तो आप देखेंगे जो अहोम लोग होते हैं ये ज्यादा रिजेंबल करते हैं ज्यादा ये दिखते हैं जो मंगोलवाइड होते हैं मेनली चीन के जैसे वैसे दिखते हैं मेन इनका जो एक बड़ी जनसंख्या है वो असम में पाई जाती है टीटू मीर ये नरकेल बेलिया विद्रोह से संबंधित थे आगे है निम्नलिखित में से किसे अंग्रेजों के खिलाफ पहला सशस्त्र विद्रोह माना जाता है तो इसका उत्तर होगा ए यानी कि नरकेल बेलिया विद्रोह सैयद मीर निसार अली या इनका दूसरा नाम टीटू मीर ये एक किसान नेता थे ये विद्रोह 1742 से सॉरी सत्रह से लेकर के सत्रह से लेकर के 1831 तक चला था ये वहाँ के जमींदारों और अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह था जिसमें जो किसानों का शोषण कर रहे थे बाद में ये आगे चल के वहाँ भी आंदोलन में विलीन हो गया था ये नरकेल बेलिया एक गांव था वहां पर इन्होंने टीटू मीर ने एक बांस से एक महल बनाया था महल क्या एक अपना कुछ घर जैसा कुछ बनाया था और अपनी स्वतंत्रता की घोषणा की थी फराजी विद्रोह इसके नेता हाजी शरीयतुल्ला थे और कूका भगवत जवाहरमल अठारह में यह चला था आगे देखते हैं निम्नलिखित विद्रोहों में से आनंद मठ में किसका उल्लेख मिलता है तो जैसा कि हमने ऊपर अभी चर्चा की है कि सन्यासी विद्रोह का इसमें उल्लेख मिलता है और ये आनंद मठ लिखी किसने थी बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा ये नोवेल लिखा गया था और जो भारत माता का जो पर्सोनिफिकेशन है यानी कि मानव रूप है उसका कॉन्सेप्ट इन्होंने ही दिया था इनकी और जो लेखनी है उसमें है दुर्गेश नंदिनी कल्पकुंडल देवी चौधरानी ये इनकी और फेमस नोवेल हैं संथाल विद्रोह 1855 में हुआ था सिद्धो कानू इसके नेता थे बाकी हम ऊपर डिस्कस कर चुके हैं अगला प्रश्न है गोविंदपुर तूतानाती कालीकाता की किले बंद बस्ती को किस नाम से जाना जाता था तो फोर्ट विलियम के नाम से जाना जाता था इन तीनों को मिला करके जो कलकत्ता नगर है उसकी स्थापना की गई थी जॉब चरनौक इसके वास्तुकार थे कि क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि कलकत्ता नगर के जो वास्तुकार हैं वो कौन थे जॉब चरनौक थे हुगली के तट पर यह स्थित है ये फोर्ट विलियम और जो किंग विलियम थर्ड थे ये उनके नाम पर इस किले का नाम फोर्ट विलियम रखा गया सोलह से 1702 के बीच ये बनाया गया था औरंगजेब उस टाइम पर मुगल बादशाह थे उन्हीं की अनुमति पर इसके अलावा फोर्ट सेंट थोम जो है ये केरल में स्थित है फोर्ट जॉर्ज ये चेन्नई में स्थित है निम्नलिखित में से कौन सुरक्षा की घेरे की नीति से जुड़ा हुआ है तो इसका आंसर होगा डी वॉरन हेस्टिंग्स इन्होंने मेनली जो मराठा थे उनसे रक्षा के लिए अपने एरिए की सुरक्षा के घेरे की नीति अपनाई यानी कि आसपास के जो अपने ब्रिटिश क्षेत्र था उससे लगे हुए जो दूसरे राजा थे उनको थोड़ी सहायता दी ताकि एक बफर स्टेट बना रहे मराठा और इनके बीच में ये पहले गवर्नर जनरल थे सत्रह का जो एक्ट आया था उसके बाद सत्रह में ये भारत सॉरी बंगाल के पहले गवर्नर जनरल बने थे इससे पहले ये बंगाल के गवर्नर थे पहले गवर्नर नहीं थे पहले गवर्नर जनरल बंगाल के बने थे और पचास तक ये रहे थे अगला प्रश्न है निम्नलिखित गवर्नर जनरल में से किसने महाराजा रंजीत सिंह के साथ अमृतसर की संधि पर हस्ताक्षर किया था तो अमृतसर की संधि 1809 में हुई थी महाराजा रंजीत सिंह और उस समय जो गवर्नर जनरल थे वो लॉर्ड मिंटू फर्स्ट थे ये 1807 से 1813 तक रहे थे इनके टाइम में ये संधि हुई थी और इसको मिंटो मेटकॉफ ट्रीटी भी कहा जाता है तो इसमें आप एक बार चेक कर लीजिएगा क्योंकि इसमें कोई ऑप्शन तो मिल नहीं रहा है लेकिन ये डिटेल इसकी सही है अगला प्रश्न है सुगौली की संधि निम्नलिखित में से किससे संबंधित है तो सुगौली की संधि 1815 में हुई थी एंग्लो नेपाल युद्ध के बाद जो कि 1814 से 16 तक चला था और इसी के बीच में 1815 में ये संधि हुई थी 1815 में नेपाल की सीमा निर्धारण के लिए संधि की गई थी वहां के राजा उस टाइम पे पृथ्वी नारायण शाह थे जो नेपाल का विस्तार कर रहे थे पूरब में सिक्किम के कुछ क्षेत्र ले लिए थे और इधर उत्तराखंड का कुमायूं गढ़वाल वाला जो रीजन था वहां तक आ गए तो फिर अंग्रेजों के संपर्क में आए तो उनसे कॉन्फ्लिक्ट हुआ एंग्लो नेपाल युद्ध हुआ 1814 से 16 तक चला था इसी टाइम पे 1815 में ये संधि हुई थी अगला प्रश्न है सिंध की विजय निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल से जुड़ी हुई है तो सिंध की विजय 1843 में की गई थी बरो इससे जुड़े हुए हैं अगला प्रश्न है बनारस का नरसंहार या बनारस मसाकरी निम्नलिखित में से किस शासक से संबंधित है तो इसका उत्तर होगा वजीर अली खान इसमें कुछ ज़्यादा डिटेल वाला जानने वाला नहीं है पॉलीगर कौन थे तो हमने पीछे पढ़ा था कट्टभोएम नायकन कटबोम नायकन ये पॉलीगर जो विद्रोह हुआ था उसके लीडर थे जो पॉलीगर्स थे ये दक्षिण भारत के सैन्य गवर्नर जनरल थे केरल के मुस्लिम किसान ये मोपला मोपला विद्रोह आपने सुना होगा और बंगाल के जमींदार पे तो बहुत सारे लोग थे मेनली और उड़ीसा के जो पैदल सैनिक इसके लिए पाइका वर्ड यूज किया जाता है यानी कि जो पाइका लोग थे वो उड़ीसा के पैदल सैनिक थे वन सत्याग्रह का नेतृत्व तो किस जनजाति के द्वारा किया गया था तो ये चेचू जनजाति के द्वारा किया गया था अगला प्रश्न है बंगाल में तिभागा आंदोलन इसकी मांग क्या थी तो इनकी मांग थी फसल के आधे से एक तिहाई तक का उनकी जमींदारी के हिस्से में कमी की जाए बाकी इसमें नहीं था यह हुआ था और 1946 सौ के आसपास यह आंदोलन हुआ था अगला प्रश्न है रंपा विद्रोह का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था तो अलूरी सीताराम राजू के द्वारा रंपा विद्रोह का नेतृत्व किया गया था और रंपा विद्रोह 1922 के आसपास आंध्र प्रदेश का जो गोदावरी नदी बेसिन है उसके आसपास हुआ था। रूसी हमले से बचने के लिए फॉरवर्ड पॉलिसी किसने अपनाई थी ऑकलैंड के द्वारा अपनाई गई थी और इसमें क्या किया गया था कि ऑकलैंड के द्वारा अफगानिस्तान में इंटरफेयर किया गया था उसके आंतरिक मामलों में आ, हस्तक्षेप किया गया था इसकी वजह से युद्ध भी हुए थे अफगान और ब्रिटिशर्स के बीच में बाकी के बारे में पढ़ चुके हैं लिटन रिपन एलन बरो के बारे में और आगे भी चर्चा करेंगे जो भी जितने भी गवर्नर जनरल हैं इससे रिलेटेड अलग से एक वीडियो बना दूंगा उसमें जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न होंगे वो सम्मिलित होंगे डूरंड लाइन भारत तथा किस देश के मध्य स्थित है तो आपको पता है भारत और अफगानिस्तान के बीच में ये रेखा स्थित है 2430 किलोमीटर जब ये जब बनाई गई थी 1896 में उस टाइम पे ये 2430 किलोमीटर लंबी रेखा थी एक बाउंड्री थी मोर्टिमे डूरंड इनके नाम पर इस रेखा का नाम डूरंड लाइन पड़ा है इन्होंने इसका निर्धारण किया था मंगल पांडे ये किस इन्फेंट्री के थे तो ये चौंतीसवीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के थे अगला है अट्ठारह का विद्रोह कहाँ से शुरू हुआ था तो ये आपको पता है 10 मई अट्ठारह को यह विद्रोह शुरू हुआ था मेरठ से आगे और डिटेल में बाकी चीज़ें इसमें देखते जाएंगे अट्ठारह सौ तो विद्रोह विद्रोह से रिलेटेड इसमें बताना है कि अट्ठारह के नेता और उनकी कार्रवाई का केंद्र क्या था वो मिलान करना है तो नाना साहब ये कानपुर से थे यानी कि तीन का सी बी और सी में से कोई होगा पहला और चौथा एलिमिनेट हो जाएगा बेगम हजरत महल लखनऊ से थी दूसरे का ए तो दूसरे का ए इसमें हो जाएगा पहले का बी हो जाएगा जनरल बख्त खान दिल्ली से थे और जो बचा ये फैजाबाद से मैम मौलवी अहमदुल्ला अगला प्रश्न है जमींदार कुंवर सिंह ने किस राज्य से विद्रोह का नेतृत्व किया था तो ये आपको पता था सबसे वृद्ध थे बिहार से इन्होंने नेतृत्व किया था और यही एक ऐसे थे जो अपने जीते जी नहीं हारे थे इनकी ये ज्यादा थी काफी दिन तक बहुत बहादुरी से लड़े फिर घायल हो गए थे और इनकी मृत्यु हो गए थे बाद में आगे इनके भाई ने कमान संभाली विद्रोह की अगला प्रश्न है झांसी की रानी अठारह के विद्रोह का नेतृत्व किसके साथ मिलकर किया था इन्होंने तो आपको पता है तात्या टोपे के साथ मिलकर के इन्होंने अठारह के विद्रोह का नेतृत्व किया था अगला देखते हैं बागपत निम्नलिखित में से किसके विद्रोह का केंद्र था तो तात्या टोपे ये तो झांसी के आसपास नाना साहब ये कानपुर से रिलेटेड थे भगवत जवाहर मल ये कूका आंदोलन से थे तो इसमें बचा कौन भी इसमें आप एलिमिनेशन टेक्निक लगा करके भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं अगर ना भी पता हो एग्जैक्ट अगला प्रश्न है अठारह के विद्रोह को स्वतंत्रता संग्राम के रूप में किसने वर्णित किया है तो वी डी सावरकर ने इसे स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णित किया है आर सी मजूमदार ने इसे एक सैनिक विद्रोह माना है और एस एन सेन ने भी इसे एक सैनिक विद्रोह जो कि बाद में राजनैतिक हो गया था ये कहा है इसके बारे में नंबर क्वेश्चन देखते हैं इसमें जहां जहां विद्रोह हुए थे और उसके बाद उसको रोका किसने था वो मिलाना है अंग्रेज ये सेनापति थे सेना की कमान किसने संभाली थी जो युद्ध हुआ था उससे मिलाना है तो झांसी ये हीरोज थे जिन्होंने कहा था कि इस युद्ध में एक अकेली मर्द जो मैंने देखा वो झांसी की रानी ही थी और तो इसका उत्तर हो जाएगा मिला लीजिए इसको चौथे का डी यानी कि सी नहीं होगा और ए नहीं होगा लखनऊ से एक मिनट इसमें देखना पड़ेगा दिल्ली दिल्ली से निकोलसन थे यानी कि पहले का बी हो जाएगा और चौथे का डी हो जाएगा तो इसका आंसर हो जाएगा बी दूसरे का ए कानपुर से ह्यूविलर थे और और कौन बचा लखनऊ से हेनरी लॉरेंस थे अगला प्रश्न है शारदा अधिनियम कब पारित किया गया था तो ये पारित किया गया था सितंबर 28 28 सितंबर एट उन्नीस को लेकिन ये पब्लिश किया गया था 1 अप्रैल 1930 को तो इसमें पब्लिश वाली डेट दी गई है उसी को हम सही मानेंगे लेकिन ये 28 सितंबर 1919 को पारित किया गया था अगला प्रश्न है निम्नलिखित इसके अलावा हाँ सेवेंटी में नाइनटीन में दोबारा इसमें अमेंडमेंट किया गया था जब ये पारित किया गया था तो इसमें जो विवाह योग्य आयु थी लड़कों के लिए 18 वर्ष और लड़कियों के लिए 14 वर्ष कर दी गई थी बाद में 1976 में जब इसमें संशोधन किया गया था तो जो अभी वर्तमान में आयु है लड़कों के लिए 21 साल न्यूनतम और लड़कियों के लिए 18 साल तो ये इसी में की गई थी संशोधन के द्वारा अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसे भारतीय पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है तो राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है और डिटेल में इनको हम आगे डिस्कस करेंगे या अलग से वीडियो बनाएंगे क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज हैं बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं इनसे रिलेटेड अगला प्रश्न है महाराष्ट्र में बालिका शिक्षा के सक्रिय प्रवर्तक कौन थे तो जगन्नाथ शंकर सेठ ये बालिका शिक्षा के प्रवर्तक थे महाराष्ट्र में बहुत काम किया था नेटिव बॉम्बे नेटिव इंस्टीट्यूशन ये इन्होंने ही स्थापित किया था इसका नाम बाद में कई बार चेंज हुआ अगला है विधवा पुनर्विवाह एसोसिएशन ये किसके द्वारा स्थापित किया गया था ये 1850 में विष्णु शास्त्री पंडित जी के द्वारा स्थापित किया गया था अगला प्रश्न है गुजरात में सत्य प्रकाश किसके द्वारा शुरू किया गया था तो इसका आंसर हो जाएगा करसोनदास मूल जी अठारह में ये शुरू किया गया था निम्नलिखित में से किसने महिला शिक्षा पर बहुत जोर दिया था कौन सी कमेटी है जिसने महिला शिक्षा के ऊपर बहुत जोर दिया था तो वुड्स डिस्पैच है जो कि अट्ठारह में आया था आपको पता होगा मैकाले ये 1834-35 के पास ये समिति बनी थी सैडलर आयोग 1917 में बना था और हंटर कमीशन ये लॉर्ड रिपन के टाइम में बना था 80 से चौरासी तक लॉर्ड रिपन रहे थे बहुत ही लिबरल ये वॉयस राय थे अगला देखते हैं भारत स्त्री महामंडल का पहला सम्मेलन किसके द्वारा आयोजित किया गया था तो इसका उत्तर हो जाएगा ए सरला देवी चौधरानी ये महिलाओं के सुधार से जुड़ी हुई महिला थी बहुत कार्य किया था इसकी स्थापना 1890 में की गई थी स्त्री महामंडल की भारत स्त्री महामंडल 1890 में अलाहाबाद में की गई थी मैडम कामा इन्होंने सॉरी ये मैडम कामा इन्होंने स्टूट जर्मनी में सबसे पहली बार तिरंगा फहराया था और रमाबाई रनाडे ये जो महादेव गोविंद रानाडे जी हैं उनकी पत्नी थी इन्होंने इन्हें महाराष्ट्र का सुकरात भी कहा जाता है महादेव गोविंद रानाडे को और एनी बेसेंड के बारे में ये पहली महिला थी जो कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थी 1917 में और भी बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे आगे अखिल भारतीय महिला सम्मेलन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी इसका उत्तर होगा मार्गरेट थेचर 1927 में की गई थी कहीं कहीं पर इनका नाम मार्गरेट कजिन भी लिखा हुआ है तो चेक कर लीजिएगा मार्गरेट थेचर और मार्गरेट कजिन एक ही है क्या मेरे हिसाब से तो एक ही है, आप लोग फिर भी चेक कर लीजिएगा अगला देखते हैं आर्य महिला समाज की शुरुआत कहां पर हुई थी बॉम्बे में हुई थी 1927 में नहीं इसमें 1927 में नहीं हुई थी बॉम्बे में पंडित रमाबाई के द्वारा ये आर्य महिला समाज की शुरुआत की गई थी और ये पहली महिला थी जिन्हें पंडिता की उपाधि मिली थी मतलब पंडित की उपाधि मिली थी फीमेल है तो पंडिता हो जाएगा यूनिवर्सिटी ऑफ कैलकाटा के द्वारा बॉम्बे में इसकी शुरुआत की गई थी अगला प्रश्न है एट्टी फाइव सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी तो पुणे महाराष्ट्र में 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले जी के द्वारा ये सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की गई थी अ गिफ्ट ऑफ मोनोथीस्ट मदन मोहन सॉरी मदन मोहन मालवी ने राजा राम मोहन राय की यह रचना है अगला प्रश्न है इन्होंने आत्मीय सभा की स्थापना की थी चौदह में याद रखना आत्मी सभा अगला प्रश्न ही वही है आत्मी सभा की स्थापना का कारण क्या नहीं था मूर्ति पूजा के विरुद्ध अभियान था मूर्ति पूजा के विरुद्ध थे धार्मिक रूढ़िवाद के विरोधी थे तर्क संगत विचारों को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य था बाल विवाह सती प्रथा का समर्थन करना तो समर्थन तो नहीं करेंगे तो इसका उत्तर हो जाएगा डी इसका यह कारण नहीं था आत्मी सभा की स्थापना 1814 में की गई थी राजा राममोहन राय के द्वारा अगला प्रश्न है ये कुछ सभा कुछ ये इंस्टीट्यूशन दिए गए हैं और उनके इधर संस्थापक दिए गए हैं इससे मिलान करना है तो आत्मीय सभा सबसे पहले अभी हमने डिस्कस किया था तो चार का एक हो जाएगा यानी कि बी और सी नहीं होगा कहाँ गया हाँ तत्व सभा देवेंद्र टैगोर एक करते हैं तत्व सभा देवेंद्र टैगोर के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी ब्रह्म समाज से अलग होकर के इन्होंने इस सोसाइटी की स्थापना अठारह में एटीन में कलकत्ता में की थी पहले का बी और यानी कि कुछ गलत कर दिया क्या चलो कर लेते हैं प्रार्थना समाज प्रार्थना समाज बॉम्बे में अठारह में आत्माराम पांडुरंग ने की थी इसकी स्थापना यानी कि इसका डी हो जाएगा साधारण ब्रह्म समाज आनंद मोहन बोस ये भी जो ब्रह्म समाज था उसी से अलग होकर के आगे चल करके इस संस्था की स्थापना की गई थी ये 78 के आसपास हुई थी और आत्मीय सभा राजा राम मोहन राय अट्ठारह में तो इसका ऑप्शन क्या होगा सी होगा शायद पहले का बी दूसरे का डी तीसरे का सी चौथे का यहाँ इसका सी होगा अगला प्रश्न देखते हैं निम्नलिखित में से कौन समाचार पत्र दर्पण और दिग्दर्शन से संबंधित है तो दिग्दर्शन जो था ये मराठी मासिक था 1846 में 1840 में ही शुरू किया गया था और दर्पण मराठी भाषा का पहला न्यूज़पेपर था ये 1832 में शुरू किया गया था और ये इन दोनों की जो शुरुआत थी बाल शास्त्री जाम्बेकर ने की थी आगे देखते हैं ये निम्नलिखित में से कौन ज्योतिबा फुले से संबंधित है ये आपको बताना है सत्य शोधक समाज इन्होंने स्थापना की थी गुलामगिरी इन्हीं की पुस्तक है सार्वजनिक सत्य धर्म ये भी इन्हीं से रिलेटेड है ज्ञान प्रकाश इनसे रिलेटेड नहीं है तो वन टू थ्री इसका उत्तर हो जाएगा एलिमिनेशन से भी आप कर सकते हैं ये नहीं होगा ये नहीं होगा अब एक सी और डी में बचता है तो ज्ञान प्रकाश इनसे रिलेटेड नहीं है पता होना चाहिए तब भी हो पाएगा नहीं तब भी हो जाएगा आपको नहीं भी पता है तब भी हो जाएगा क्योंकि सत्यशोधक समाज सभी को पता रहता है ज्योतिबा फुले से रिलेटेड है इन्होंने ही इसकी स्थापना की थी 1873 में पुणे में सत्य शोधक समाज की स्थापना की थी और जो ज्ञान प्रकाश है ये गोपाल हरिदेशमुख की पुस्तक है या उनसे रिलेटेड है ये पुस्तक है या पु, आ, कोई मैगजीन है ये आपको बताइएगा कमेंट करके मुझे याद नहीं आ रहा इस टाइम पर अगला प्रश्न देखते हैं यंग बंग आंदोलन ये किसने शुरू किया था तो हेनरी विवियन डेरेजियो ने किया था बहुत कम उम्र उम्र में 1809 से लेकर के 1831 ये इनका लाइफ टाइम है 1809 में इनका जन्म हुआ था इकतीस में यानी कि लगभग 22 साल की बहुत छोटी उम्र में ये इनकी मृत्यु हो गई थी लेकिन बहुत ही फेमस समाज सुधारक थे और काफ़ी एक्स्ट्रीमिस्ट टाइप के थे यानी कि काफ़ी उग्र आंदोलन था उग्र का मतलब हिंसक नहीं था विचारों से उग्र, उग्र था सोशल रिफॉर्म्स को लेकर के अगला प्रश्न है सोशल सर्विस लीग इसकी स्थापना किसने की थी 1911 में बॉम्बे में नारायण मल्हार जोशी इन्होंने सोशल सर्विस लीग की स्थापना की थी अगला प्रश्न देखते हैं सत्यार्थ प्रकाश निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रकाशित किया गया था तो दयानंद सरस्वती की यह बहुत फेमस ग्रंथ है उनका आत्मसम्मान आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था तो ईवी रामास्वामी नायकर के द्वारा ये आत्मसम्मान आंदोलन शुरू किया गया था ये शुरू किया गया था 1926 में इन्होंने एक समाचार पत्र भी निकाला था 1925 में जिसका नाम था कुडिया रासू यानी कि गणराज्य तमिल में था शायद तमिल अखबार था सैयद अहमद खान या सर सैयद अहमद खान जी ने बोलते हैं, तो किससे रिलेटेड थे ये अलीगढ़ आंदोलन से रिलेटेड थे अहमदिया आंदोलन से मिर्जा गुलाम अहमद रिलेटेड थे फराजी हाजी शरीयतुल्ला और देवबंद आंदोलन से कासिम ननौतवी और रशीद अहमद गंगोई ये दो लोग रिलेटेड थे मद्रास प्रेसिडेंसी में न्याय आंदोलन के संस्थापक या जस्टिस आंदोलन या जस्टिस पार्टी भी बाद में आगे जाकर के बनी थी तो इससे कौन कौन रिलेटेड थे आपको बताना है तो इसमें एक दो और तीन यानी कि पहला ऑप्शन सही होगा पहले ये एक आंदोलन था बाद में 1917 में जस्टिस लीग या हाँ जस्टिस पार्टी करके एक पार्टी बन गई थी मेनली ये जो मंझोली जाती यानी कि जो क्या कह सकते हैं एक उपयुक्त वर्ड क्या होगा आप ये मान लीजिए कि जो क्लासिफिकेशन है उसमें तथाकथित क्लासिफिकेशन जो है उसमें कुछ जातियों को निम्न माना जाता है कुछ को उच्च माना जाता है तो उस समय के हिसाब से जो सबसे नीचे से ऊपर वाली थी उनको लेकर के ये था मेनली वैश कह सकते हो या वैश्य ही होंगे ये उससे रिलेटेड था क्योंकि स्पेसिफाई नहीं किया गया बस ये जो जातियाँ उनका नाम नहीं दिया गया ऐसे दिया गया है सिर्फ की, कुछ जो मंदोली कुछ जातियां थी उनसे रिलेटेड इन्होंने काम किया था अगला प्रश्न देखते हैं निम्नलिखित में से कौन भारतीय सामाजिक सम्मेलन के संस्थापक थे तो इसकी स्थापना मद्रास में अठारह में की गई थी एमजी जी और रघुनाथ राव इन दो लोगों के द्वारा अगला प्रश्न है थियोसोफिकल सोसाइटी या थियोसोफिकल आंदोलन किसने शुरू किया था तो मैडम ब्लॉत् और कर्नल अलकॉट पहले यह न्यूयॉर्क में 1875 में थियोसोफिकल सो, थियो सोसाइटी बनाई गई थी बाद में इंडिया में 1879 में मद्रास में थियोसोफिकल सोसाइटी बनाई गई थी आज भी इसका मुख्यालय वहीं पर है अगला प्रश्न देखते हैं शिकागो में विश्व धार्मिक सांसद का आयोजन कब किया गया था तो ये 11 से 27 मई अठारह को विश्व धार्मिक सांसद का आयोजन किया गया था जिसमें स्वामी विवेकानंद ने एक बहुत ही प्रसिद्ध भाषण दिया था अगला प्रश्न है जो कि आज का अंतिम प्रश्न है रामकृष्ण मिशन किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था तो ये स्वामी विवेकानंद जी के गुरु थे रामकृष्ण उन्हीं के नाम पर स्वामी विवेकानंद ने ये आंदोलन शुरू किया था ये मिशन शुरू किया था एक मई अट्ठारह को 1897 को तो इस लेक्चर में इतना ही है आगे हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अगर आपका कोई सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और चलिए मिलते हैं फिर अगले लेक्चर में आगे से डिस्कशन करेंगे तब तक के लिए धन्यवाद